नमस्कार, आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के पावन मौके पर देखिए रीवा के सपूत शहीद दीपक सिंह की कहानी। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए मुठभेड़ में भारतीय सेना के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से एक जवान रीवा के फरेंदा गांव का था। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा रीवा के लाल शहीद दीपक सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद शहीद दीपक सिंह की शहादत पर लोगों को गर्व हो रहा है। चीनी सैनिकों की कायराना हरकत से लोहा लेते लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारत सरकार के द्वारा सम्मानित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें रीवा के जवान शहीद दीपक सिंह को सम्मानित करते हुए भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र प्रदान किया गया है। दरअसल जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों के द्वारा किए गए कायराना हरकत में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें रीवा का लाल दीपक सिंह भी शामिल था। और अब भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद परिजनों सहित रीवा वासियों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया है, साथ तथा परिजनों ने लाल की शहादत को सलाम करते हुए गर्व का एहसास किया है। दीपक सिंह का जन्म 15 जुलाई वर्ष 1989 को रीवा जिले के फरेंदा गांव में हुआ था। दीपक के पिता गजराज सिंह किसान हैं। शहीद दीपक सिंह के बड़े भाई प्रकाश सिंह भी भारतीय सेना के जवान हैं। अपने बड़े भाई प्रकाश से प्रेरित होकर स्कूल के समय ही दीपक ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया हासिल कर ली और भारतीय सेना में शामिल होने की तैयारी में जुट गए। अपने सीने में देशभक्ति का जज्बा लिए 23 साल की उम्र में वह वर्ष 2012 में भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में चिकित्सा कोर में भर्ती हुए और जनवरी वर्ष 2020 में उनकी पदस्थापना लद्दाख में हो गई। लेकिन 6 महीने बाद लद्दाख के गलवान घाटी में दुश्मन चीनी सेना के कायराना हरकत के बाद हुए मुठभेड़ में वह शहीद हो गए। लद्दाख में हुए झड़प के बाद चीनी सेना से लोहा लेते हुए दीपक सिंह शहीद हुए थे, जिसके तीसरे दिन उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम फरेंदा लाया गया था, जहां गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद को अंतिम विदाई दी थी और सीएम शिवराज सिंह ने शहीद को कंधा दिया था। चीनी सेना की कायराना हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार लोग मांग उठा रहे हैं। शहादत से करीब 8 महीने पहले ही दीपक का रेखा सिंह से विवाह हुआ था। घटना के 15 दिन पहले ही वह गांव से गए थे और परिवार से कहा था कि गलवान घाटी में ड्यूटी करने के बाद वापस आएंगे। आपको बता दें कि रीवा जिले के फरेंदा गांव के निवासी दीपक सिंह 23 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे तथा वर्ष 2019 में उनकी शादी हुई थी, जिसके 6 महीने बाद ही देश की रक्षा करते हुए वह शहीद हो गए तथा अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर चले गए। और अब भारत सरकार के द्वारा उनकी शहादत का सम्मान किया गया है, जिसके लिए दीपक सिंह को वीर चक्र से नवाजा गया है। 11 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पूर्व बुधवार का दिन शहीद दीपक के परिवार के लिए यादगार हो गया। वहीं शहीद को अंतिम विदाई देने गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा था कि 1 करोड़ की श्रद्धा सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, शहर में आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव में स्मारक प्रतिमा लगाने, सड़क का नाम शहीद दीपक के नाम पर करने आदि की बातें शामिल थीं। अब राजनीतिक कारणों से अस्पताल को मानिकवार में बनाने की तैयारी चल रही है। गांव में ही स्मारक तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन शहीद दीपक सिंह की प्रतिमा अभी तक नहीं लगाई गई है। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा रीवा में न्यू बस स्टैंड के सामने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का शहीद दीपक सिंह के नाम पर करने की मांग उठाई गई है। लास्ट टाइम वो 30 जनवरी को छुट्टी पर आए थे और 14 फरवरी को यहाँ से फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए थे,
और लास्ट टाइम मेरी बात 9 जून को उनसे हुई थी, तो यही बोले थे कि जल्दी मैं छुट्टी में आऊँगा और तुम अभी मम्मी के पास चली जाओ, जब मैं यहाँ से आऊँगा तो तुमको लेकर और फिर घर आऊँगा। लेकिन दोबारा फ़ोन नहीं आ पाया और 15-16 की रात को ये सारी घटना हो गई। चाइना के साथ गलवान घाटी में जब झड़प हुई तो उनको वहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट थे, इसलिए उनको वहाँ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था। तो उस टाइम पे उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें आईं, लेकिन वो अपनी चोट को इग्नोर करके और फ्रंट लाइन में जाकर और मोर देन 30 सोल्जर्स की जान बचाई। और उस टाइम पर वो चाइना के कुछ सोल्जर्स को भी उन्होंने फर्स्ट एड दिया। ये उनकी इंसानियत को शो करता है कि वो किस तरह के इंसान थे। जनरली इसी काम के लिए उनको वीर चक्र से नवाजा गया। जनरली वीर चक्र जो है ऐसे लोगों को दिया जाता है जो बैटल फील्ड में अपना शौर्य दिखाते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। लेकिन एक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए उन्हें केवल मेडिकल असिस्टेंस देना होता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होता है। तो यदि उनको वीर चक्र दिया जा रहा है तो ये शो होता है कि उन्होंने अपने काम को किस लेवल में किया होगा। अपनी जान देकर उन्होंने देश की रक्षा की, मोर देन 30 सोल्जर्स की जान बचाई। मुझे इसलिए बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए। शासन की साइड से मुझे जॉब मिल गई है, घर भी मिल गया है और एक्स ग्रेसिया जो है वो मिल गया है। अभी दो काम बचे हुए हैं, उनकी जो मूर्ति है वो मनिकवार स्कूल में स्थापित करना भी बाकी है, और जो है हॉस्पिटल बननी थी वहीं फरेंदा में, तो अभी हॉस्पिटल का काम भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आपको कहीं भी कैसे भी यदि मौका मिलता है तो अपने देश की सेवा करने से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि जनरली लोग हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक में कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लोग एक्सीडेंट में कितने लोग मर जाते हैं लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो एक दिन तो हम सबको मरना है, तो बेटर यही है कि यदि हम देश के लिए मरें तो पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा और हम अपने देश के काम आएंगे। मैं पीएम नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि वो ऐसी अपनी पॉलिसी बनाएं कि दीपक सिंह के कौन थे, वो हमारे पुत्र हैं, उनके पिताजी हैं। यहाँ 15 तारीख को उनको पता आई फोन द्वारा, वहाँ पहले बताया कि गोली लगी है, तो इसके बाद दूसरे दिन आई है कि वह हो गए शहीद हो गए हो गया, रोवन पीटर पड़ी नहीं गया। हैं उसमें चीन के और के लड़ाई हुई थी, उसमें शहीद हो गए। आखिरी बार कब आए थे अपने घर? फरवरी मार्च में आए थे। जब ये घटना हुई उसके कितने महीने पहले उनका लास्ट टाइम घर आना हुआ? कह के गए होंगे मार्च में आए थे, चार महीना पहले आए के गए होंगे यहाँ से आपसे। और ये कहे गए इसके जन्मदिन में सितंबर में आएंगे, हो गया पहले चले गए। शासन के द्वारा जो कुछ मदद की गई, शासन के द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा 1 करोड़ रुपए और नौकरी और कमरा मिला, घर मिला। दीपक सिंह आपके कौन थे और कैसे ये घटना हुई पूरा उसके बारे में? दीपक सिंह मेरे कज़न हैं, बेसिकली बड़े पापा लगते हैं इनके पिताजी, भाई की तरह थे। ये कैसे मेरे घटना हुई? ये घटना वो लद्दाख में पोस्टेड थे, ही वॉज बेसिकली उनको जाना था बाहर फॉरेन के लिए, तो कोरोना के चलते जा नहीं पाए थे, तो दिल्ली में पोस्टेड थे, तो दो तीन महीने के लिए चीन से जो टेंशन चल रही थी उसके कारण उनकी टेम्परेरी ड्यूटी लगा दी गई थी लद्दाख में। सो वहाँ पे 15 जून को जो चाइना के साथ मुठभेड़ हुई उसके दौरान वो लोगों का फर्स्ट एड करते समय उन शहीद हो गए, जो फिर बाद में डिटेल में पता चला कि 16 बिहार रेजिमेंट के साथ वो अटैच थे और वहाँ पे वो लोग गए थे और चीनी सेना ने पहले से ही उनके बेसिकली घेराबंदी करके उनके ऊपर अटैक कर दिया था।
तो उस दौरान पे वो सबको फर्स्ट एड देते हुए शहीद हुए। शासन के द्वारा क्या किया? शासन के द्वारा घटना के बाद सारी संभव मदद की गई। शासन ने एक शिवराज बेसिकली मध्य प्रदेश शासन ने एक करोड़ रुपए की घोषणा की थी उनकी वाइफ के लिए, भाभी के लिए नौकरी का बोला था, तो राशि भी आ गई, नौकरी भी मिल गई और रीवा शहर में घर भी मिल गया। और कुछ एक स्मारक वगैरह का था घोषणा, जो यहाँ के अपने अभी माननीय स्पीकर गिरीश गौतम जी ने बोला था, वो भी कार्यरत है। और आर्मी की तरफ से सारी संभव कोशिश की गई, सारा कुछ फॉलो अप हुआ। और अभी भी कुछ समय पहले ही वो लोग आए थे सारा कुछ देखने के लिए कि जो चीज़ें कही गई हैं वो मिल गई कि नहीं मिली, और समय समय पर सम्मानित किया जाता है जी उनको। अभी पिछले 25 जनवरी को, बेसिकली 26 जनवरी की ईव में वीर चक्र के लिए को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि वीर चक्र एक युद्ध वार वाला मेडल है, वॉर मेडल बोलते हैं। सो वो इस सिचुएशन में देना अपने लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बीइंग आर्मी मेडिकल कोर रिक्रूट, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है कि जान दो बेसिकली दूसरों की जान की रक्षा करते हुए उनको जान से मतलब अपनी जान गवा दी। जब ये घटना हुई थी तो उसके पहले लास्ट टाइम कब छुट्टी में आए थे, आप लोगों के साथ कैसा टाइम शेयर किए थे, कोई बातें आपको याद हो? जब ये घटना हुई उसके पहले हम लोग सब साथ ही में थे। हमारा एक और कज़न है राजन सिंह, वो भी ये लोग सब AMC के ही हैं, राजन, दीपक और मैं मर्चेंट हूँ। सो हम तीनों साथ ही में थे, दोस्त ही हैं अच्छे खासे। सो बातें हो रही थी, चीन के टेंशन का उस टाइम पे भी चल ही रहा था, बट वी हैड नो आइडिया कि उसको वहाँ पे पोस्टिंग होगी। राजन का था बट इसका दीपक का कुछ था नहीं। टाइम अच्छा गया, सब कुछ प्लानिंग थी कि गर्मी की छुट्टियों में नई नई शादी हुई थी और वाइफ जैसे कि टीचर हैं तो गर्मी की छुट्टियाँ जो मिलती हैं, कोरोना का भी कोई था नहीं उस टाइम पे कि ऐसा कोरोना भी आ सकता है। सो गर्मी की छुट्टियों में सबको साथ आने का हमारा प्लान था और सब आ भी गए थे, बस इसका ही हुआ कि बाहर जाना है और फिर कोरोना के चक्कर में फंस गया, नहीं तो बाकी सारे कजन्स हम लोग यहीं पे थे। आपको